एक हैदराबादी नौजवान नई मुलाजिमत में शामिल होने से चंद घंटे कबल सऊदी अरब में फौत हो गया, जिसकी वो काफी अरसे से तलाश कर रहा था। 37 साल मोहम्मद मुजाहिद अली हैदराबाद की टोली चौकी हकीमपेट के रहने वाले इतवार को सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज के मारफुआ जिले में अपनी रिहायशगाह में मुर्दा पाए गए। वो इतवार से एक नई कंपनी ज्वाइन करने वाले थे, ताहम वो सुबह के वक्त रियाद में अपने नए घर की सीढ़ियों पर मुर्दा पाए गए, जिसे पड़ोसियों ने देखा और उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद तशखीस मुजाहिद को मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि मुजाहिद की मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। मुतवफी के पसमानदगान में अहलिया और वालदेन हैं, जिन्होंने मौत के रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए रियाद के एक मारूफ कम्युनिटी वर्कर अब्दुल जब्बार से मदद मांगी और तवक्को है कि एक या दो दिन में मैयत की तदफीन कर दी जाएगी।